कि कितने लोग हैं आप लोगों में से, हम ये भी जानना चाहते हैं, जो लोग रीचेक में डाले थे कॉपी अपना और उनका नंबर मार्क्स बढ़े। हमारा कॉपी एक एक चीज ना चेक होना चाहिए, लाइक ऑब्जेक्टिव हमारा, सब्जेक्टिव हमारा, ए टू जेड सभी चीजें चेक होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाइक ये थे कि उनके सपने किसी के जेई में, किसी के मेंस में, किसी के कॉलेजेस अच्छा अच्छा नहीं मिल रहे थे। इन सब चीजों के लिए क्या हो रहा था, वो लोग रीचेक में डाले हुए थे ताकि उनका नंबर किसी तरह दो चार नंबर बढ़ जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब वो लोग क्या छेड़छाड़ करेगा, तो हमको उसमें पहले पाइएगा। हम जानते हैं कि इसमें हमारे काफी लोग विरोध भी किए हैं, काफी लोग सपोर्ट भी किए हैं, काफी लोग ये भी बोल रहे थे कि जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। काफी लोग को ये लगा कि हम ये व्यूज और ये पता नहीं क्या क्या गेम कर रहे हैं। हमारा बात सुनने वाला कहाँ है बाबू, तीन दिन आज हो गया ना फॉर्म भराते हुए, 4 लाख लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है। 4 लाख लोग धकाधक एकदम तेजी में कर रहे हैं। हमारा बात सुन कितना लोग रहा है, मत सुनो, पैसा तुम्हारा है दो, हम क्या कर सकते हैं। हम तो बोलेंगे जय हिंद, स्वागत है सबका। तो बिल्कुल सभी लोगों ने अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिया है। ओवरऑल देखा जाए तो स्कूटनी का रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के, लेकिन कुछ लोग का यह शिकायत है कि हमारा आर्ट्स का है या हमारा फिर कॉमर्स का है, खुल नहीं रहा, बट सबका खुल जाएगा, डोंट वरी। हमने कम्युनिटी पोस्ट में लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां से जाकर के जो आपके साथ फेज बन के आएंगे, ठीक है, उसमें जाकर के आप अपने इत्मीनान से बढ़िया से जाकर के चेक कर लीजिए। बाय द वे कुछ लोग रिजल्ट चेक करें तो उसके सामने एरर एग्जीक्यूटिंग चाइल्ड रिपोर्ट और रिक्वेस्ट के नाम से आई यू करके आ रहा है कि अब यही स्टेटस है आपका। अब इसका मतलब क्या है समझना जरूरी है, लेकिन सवाल यहाँ पे एक और ये बेहतर बन के आता है कि कितने लोग हैं आप लोगों में से, हम ये भी जानना चाहते हैं, जो लोग रीचेक में डाले थे कॉपी अपना और उनका नंबर मार्क्स बढ़े हैं, कितने लोग हैं प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप लोग का कितने लोगों का नंबर बढ़ा है। अगर नहीं बढ़ा है तो ये फालतूगिरी है। और कुल मिलाकर के बिहार बोर्ड पहले था ना कि सामने सामने चेक होता था, लेकिन अभी देखो सिस्टम में बदल गया है, क्योंकि लुटाई पहले 10 रुपये में चेक होते थे और आजकल 120 रुपये में चेक हो रहा है, समझ रहे हो ना। इसीलिए हो सकता है कि पैसों ज़्यादा दामों बढ़ गया ना, तो इसका यही मतलब है, क्योंकि आपने जो रिक्वेस्ट किया था उसमें त्रुटि को निष्पादन कर दिया गया है, आपकी गलती को सुधार त्रुटि निष्पादन, इसका मतलब ये हुआ। एग्जीक्यूटिंग मतलब एग्जीक्यूट करके वो देखा गया है कि कोई किसी प्रकार का कोई नहीं है, जैसे आपका पहले रिजल्ट था वैसे ही है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, ठीक है, जो आपका मार्क्सशीट पहले का था वही है, इसका यही मतलब हुआ। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि कितने लोग का मार्क्स बढ़ा था। हमें लगता है कि हमने भी अपने 3 विद्यार्थियों का भरा था, तो 2 का जैसे था वैसे है और 1 का बढ़ा है 12 नंबर, 1 का सिर्फ 12 नंबर मैथ में बढ़ा हुआ है, 12 नंबर, ठीक 12 नंबर बढ़ा है। लेकिन सवाल हम यही पूछना चाहते हैं कि आखिर ये 12 नंबर जो फिर से बढ़ा, क्यों बढ़ा, बिहार बोर्ड की गलती है कि नहीं है। बिहार बोर्ड की गलती है इसमें, क्योंकि कॉपी आलतू फालतू लोग चेक करते हैं और आलतू फालतू नंबर देते हैं। लेकिन जानते हो उसने क्या बताया हमें, उसने यही बताया कि सर वहाँ पे जो मार्क्सशीट था ना, एंट्री में जो मिस्टेक हुआ था उस चीज़ को सुधार किया गया था, ना कि हमने क्या लिखा क्या नहीं लिखा है, उसकी सुधार नहीं हुआ है। और हमें भी एग्जैक्टली यही लगता है, पहले था कि कॉपी भाई जब हम नंबर सब कुछ दे दिए हैं तो हमारा कॉपी एक एक चीज़ ना चेक होना चाहिए, लाइक ऑब्जेक्टिव हमारा, सब्जेक्टिव हमारा, ए टू जेड सभी चीज़ें चेक होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, नंबर के आपको वही क्या यथाशीघ्र या तो जिसका जैसे था वैसे ही फिर से एंट्री करके वैसे ही डाल दिया गया है कि हाँ भाई इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और ये एरर एग्जीक्यूटिंग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप में त्रुटि जो भी पाई गई है, जो भी त्रुटियां उसको निष्पादन कर दिया गया है, किसी प्रकार के कोई एक्शन नहीं किया गया है। बट यहाँ पे एक और सवाल यहाँ पे बन के आता है कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट लोग जो थे वो कम से कम क्या किए थे, ज़्यादा मार्क्स के लिए अप्लाई किए थे, क्योंकि उनके सपने किसी के जेई में, किसी के मेन्स में, किसी के कॉलेजेस अच्छा अच्छा नहीं मिल रहे थे। इन सब चीज़ों के लिए क्या हो रहा था, वो लोग रीचेक में डाले हुए थे ताकि उनका नंबर किसी तरह 2-4 नंबर बढ़ जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब वो लोग क्या करें, कुछ लोग ऐसे भी हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा तो 1 साल बर्बाद हो गया, कुछ ऐसे हमारा बर्बाद हो गया, समय हमारा खत्म हो रहा है, अब वो लोग क्या करें। हम यही एक ही बात बताना चाहते हैं कि वापसी आपके लिए सिर्फ जिसका रिजल्ट हो जाता है वो लोग अपने बेटरमेंट के एग्जाम के द्वारा अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उत्पन्न होता है कि आखिर बेटरमेंट के एग्जाम कब और कैसे होता है। तो बेटरमेंट के एग्जाम जैसे आपके एनुअल टाइम में सबका एग्जाम जैसे होगा, लाइक फॉर्म भरेगा, वैसे ही आपको भी फॉर्म भरना है। जितने 5 सब्जेक्ट की आपको भरपूर मेहनत लगा करके पढ़ाई करके तब आपको इससे ज़्यादा नंबर लेके आना होगा। एक ही आपके पास ये विकल्प बचता है, इसके सिवा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। नहीं तो जो रिजल्ट आपको मिला है बस उसी में संतुष्टि करना होगा, क्योंकि रीचेक एक आखिरी उम्मीद था, जो कि बिहार बोर्ड ने जो किया वो तो ठीक ही किया। अब क्या किया, ये बिहार बोर्ड पागल हो चुका है, ये इसका दिवालियापन लगना तय है। और रिजल्ट का तो मतलब पूछो मत, जिसका पढ़ने लिखने में कोई 0 अंडा है
वो रिजल्ट अच्छा खासा लेकर के घूम रहा है, और जो पढ़ने में आप सिस्टम को जो चैलेंज करता है वो असाधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, और इसीलिए हम आप लोगों के साथ थे। हालांकि एक बात और बता देते हैं कि जब भी सरकार आप लोगों के साथ या किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो हमको उसमें पहले पाइएगा। हम जानते हैं कि इसमें हमारे काफी लोग विरोध भी किए हैं, काफी लोग सपोर्ट भी किए हैं, काफी लोग ये भी बोल रहे थे कि जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, काफी लोग को ये लगा कि हम ये व्यूज और ये पता नहीं क्या क्या गेन करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो सबसे बता देना चाहते हैं कि बाबू ध्यान से देखिए कि हमारे इसी चैनल पे 850+ वीडियो है इसी चैनल पे। वैसे हम स्पेशलिस्ट मैथ और अंग्रेजी के हैं, तो इस चैनल के माध्यम से तो हम आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ये तो कई बार मैंने बताया ही बताया, बट फिर भी मैथ वाला स्पेशल चैनल है मैथ वाला बाबा, जाके चैनल लिस्ट में हमारे जाकर के देख लीजिएगा चैनल जो आपको सर्च करने आता है ना, इसे स्क्रॉल करिएगा इधर बाहरवा तो चैनल जहाँ पे होगा मैथ वाला बाबा के नाम से हम चैनल बना रखी है, और इस पर भी मैथ के हमारे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज आपको मिलेंगे, बट सेपरेट उसको कर दिए, उस पर सिर्फ और सिर्फ मैथ का ही वीडियो डालते हैं, और अंग्रेजी का प्रॉपर क्लास इस पर हम लेके आ ही रहे, लाइक आपके मैट्रिक का भी हो सकता है और 12 का भी हो सकता है, बुक और ग्रामर दोनों लेके चलेंगे, ठीक है, बुक और ग्रामर दोनों के दोनों ही लेके चलेंगे। अब हम अपने तरफ से जितना हो सकता है प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये आपकी समस्या देख करके अब हम भी आंख बंद कर ले, सभी यूट्यूबर तो यही काम करते हैं, मीडिया वाले भी सभी, उन लोगों को छोटा मैटर लगता है, बट हमें लगता है कि ये छोटा मैटर नहीं, ये बड़ा मैटर है। अब कोई बच्चा का रिजल्ट इधर उधर गड़बड़ हुआ है तब सिस्टम को चैलेंज किया तो ये असाधारण बात नहीं है, हमें लगता है कि ये बड़ा मैटर है। और हमने लगभग कल भी 10 विद्यार्थी को अपने ही विद्यार्थी को भेजा था, 10 विद्यार्थियों को, जिसमें मैट्रिक वाले कितने थे 5 और 5 इंटर वाले थे, 10ों को भेजा था और 10ों ने यही आकर के बताया था कि सर रिजल्ट बोला कि अनाउंस हो चुका है। हम बोले कि अनाउंस हो चुका है, अब हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन तब तक देखे कि 4-5 बजे से खुलना शुरू हो गया, क्योंकि रिजल्ट वाकई वो 1 बजे अनाउंस कर दिया गया था, 1 बजे लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया था, बट खुलना शुरू हुआ है, 4-5 बजे से खुलना शुरू हुआ है, ठीक है। हम कल लाइव भी आकर के ये चीज़ क्लियर करने वाले थे बट नहीं आ पाए, थोड़ा सा बिजली गुल था हमारे क्षेत्र में, हमारे पास लाइट नहीं था जिसकी वजह से हम आपके पास लाइव नहीं आए थे, बट फिर भी अगर किसी भी प्रकार के एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर हमसे एक्सपेक्ट रखते हैं, अगर हमसे किसी भी प्रकार के उम्मीद रखते हैं, जरूर कमेंट करिएगा, हर टॉपिक पे बात करने के लिए हम तैयार हैं। स्पेशलिस्ट हम मैथ और अंग्रेजी के हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम किसी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट पे लगभग आपको वीडियो ओवरऑल देखने को मिलेगा, और एक खास बात और अपने बारे में बता दें कि हम डबल इंटर हैं, एक बार बायोलॉजी से किए और एक बार मैथमेटिक्स से किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा डबल करने के पीछे क्या रीजन है, एक आदमी और कमेंट किया था कि सर हम दो चीज़ों से, बिहार बोर्ड से और एक अन्य बोर्ड से, एक साथ एट ए टाइम कर सकते कि नहीं। तो बाबू एक बात बता देना चाहते हैं, पहले आधार कार्ड कंपलसरी नहीं था, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड आपका कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। और एट ए टाइम दो रिजल्ट आप एक साथ लेते हैं तो एक को फेक जाली घोषित कर दिया जाएगा, जैसे मेरा बीएड का सर्टिफिकेट घोषित किया गया था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन और बीएड दोनों एट ही टाइम एक डिस्टेंस से कर लिए थे और एक ऐसे कर लिए थे, रेगुलर से कर लिए थे, दोनों का तिथि डेट एक मैच हो गया, इसीलिए हमारा एक बीएड वाला जो सर्टिफिकेट था उसको रद्द कर दिया गया कि आप ग्रेजुएशन वाला सर्टिफिकेट रखिए नहीं तो बीएड वाला रखिए, आप बिना ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के तो बीएड का रख ही नहीं सकते हैं, इसीलिए मेरा बीएड का सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया, एट ए टाइम डेट था इसीलिए। तो आप लोग ये गलती प्लीज ना करें, अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट होता है सेपरेट वीडियो हर चीज पे हर मुद्दे पे बात करने के लिए हम तैयार हैं, खासतौर से हम आप ही के लिए है, अब हमारा कोई इसमें कोई विरोध कर रहे थे इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है, अब विरोध करने वाले का क्या कह सकते हैं। अब दूसरी बात, कंपार्टमेंटल रिजल्ट का भी अब काफी लोग आप बेसब्री से इंतजार करेंगे कि एक्चुअली कंपार्टमेंटल के अभी रिजल्ट कब आएंगे, अब स्कूटनी मैट्रिक वाला कब आएंगे, तो मैट्रिक वाला भी स्कूटनी अगले 2 दिन में अनाउंस कर दिए जाएंगे, 2 दिन में ही, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड ने यही बताया था कि अगले 2 दिन के अंदर ये मैट्रिक का भी जारी कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जो 10 आदमी को भेजे थे उसमें 2 गार्जियन भी भेजे थे, ठीक है, 2 गार्जियन को भी भेजे थे और वो लोग भी गए, अब गए तो 2 का मार्क्स बढ़ा है, बाकी किसी का नहीं बढ़ा है, मैट्रिक वाले जो थे वो लोग निराशा लौटे क्योंकि उन लोगों का रिजल्ट जो है अगले 2 दिन में आएगा, ठीक है। कंपार्टमेंटल और सप्लीमेंट्री से जो लोग लिखित एग्जाम दिए उस रिजल्ट का इंतजार की बात करें तो टेंशन मत लो, सरकार जो निर्धारित किया ना 17 से 26 इसी बीच में रिजल्ट अनाउंस करेगा, क्योंकि सरकार इसमें लुटाई ना कर रही है आपसे 400-400 रुपया, ये लुटाई कर रही है, हम इस चीज को मना किए थे कि कोई भी फॉर्म मत भरो, हमारा बात सुनने वाला कहाँ है बाबू, 3 दिन आज हो गया ना फॉर्म भराते हुए, 4 लाख लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, 4 लाख लोग धक्का धक एकदम तेजी में कर रहे हैं, हमारा बात सुन कितना लोग रहा है, मत सुनो, पैसा तुम्हारा है दो, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बोलेंगे कि UFL सिस्टम जो है गलत है, इसे बंद कर देना चाहिए, इससे विद्यार्थियों को कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, नुकसान कितना मैंने गिनाया था, नुकसान एक तो कि पहले दूर भेज देगा, कहीं भेज देगा जिसके हमें पता नहीं है, दूसरा चीज़ कि लड़कों के लिए अगर कुछ हद तक ठीक भी है तो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, तो हम इस चीज़ का विरोधी हैं,
और हम इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं है। अब बिहार एजुकेशन सिस्टम के तो बिल्कुल ही सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। वो आपके पहले कॉम्पिटेटिव क्षेत्र का हो या फिर आपके एनुअल जो आपके मैट्रिक इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, सभी चीज़ों पे फ्लॉप है। क्योंकि 3 साल का कोर्स को अब 4 साल कर दिया, पहले 3 साल को 6 साल में कराता था, अब 4 साल वाला 8 साल में कराएगा। तो ये बिहार बोर्ड का कुछ ना कुछ, बिहार सरकार जो एजुकेशन सिस्टम में है ना, बहुत ज़्यादा फ्लॉप है। रही बात आपके स्कूटनी और सप्लीमेंट्री, तो ध्यान रखिएगा कि ये तारीख के बीच में ही आएगा, 26 से पहले आ जाएगा स्कूटनी और सप्लीमेंट्री, मैट्रिक इंटर दोनों का आ जाएगा। क्लियर है? अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट होगा, हम पल पल अपडेट तो आपको करते रहेंगे, हमेशा अपडेट करते रहेंगे। हाँ, एक चीज़ अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि अंग्रेजी के क्लास भी हम लोग रेगुलर करें। ठीक है, अगर चाहते हैं कि इसी चैनल के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, मैथ वाला सेपरेट हमारा अवेलेबल है, सेपरेट चैनल है। जिसको भी मैथ में डाउट है, 9th हो 10th हो 11th हो 12th हो, डजंट मैटर कि आप किस क्लास से हैं, बस हम आपका मदद कर सकते हैं इतना हम जानते हैं, और वो भी बिल्कुल हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम में, क्योंकि हम बिहारी हैं और हम जानते हैं बिहारी बच्चों को हिंदी ठीक से समझ में आता है। और सभी वीडियो ओवरऑल देखा जाए, जितने भी वीडियो हमने वहाँ पे लगभग उसमें भी 125 के आसपास मैथ वाला बाबा पे हम वीडियो डाले होंगे, ज़्यादा नहीं डाले हैं। सर 10th से भी डाले, 11th 12th दोनों तीनों क्लास के डाले। कॉम्पिटेटिव तो उस पर नहीं मिलेगा, कॉम्पिटेटिव मैथ आपको इसी पर मिलेगा। अगर फिर भी हमसे किसी प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट में मदद चाहते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हर एक सब्जेक्ट पे हम वीडियो जरूर बनाते हैं, बट स्पेशलिस्ट हम हैं मैथ और अंग्रेजी के। लेकिन हर एक ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री पे हमारा वीडियो नहीं मिलेगा, उस पर भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि रीजनिंग पे देखने को नहीं मिलेगा, उस पर भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि जीके जीएस पे नहीं मिलेगा, उस पर भी मिलेगा, हर सब्जेक्ट पे मिलेगा। स्पेशलिस्ट हम किसके, यह आपको पता चल गया। ठीक है, जय हिंद। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो जरूर बोलिएगा। आपके साथ कुछ भी छेड़छाड़ होगा ना, बीके मिश्रा पहले सामने नजर आएगा। आपके पास कोई भी खतरा जाने से पहले हमसे टकराना होगा। अब आप लोग को आज ही लेकर के सबको साथ में चलने वाले थे, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि पहले क्यों ना इसको प्यार से दुलार से समझाने का प्रयास किया जाए। बाकी जो होगा, बिहार बोर्ड को जो मंजूर होगा तो करेंगे। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए